तस्वीरें देखी जा सकती है। टोयोटा कंपनी के गेट पर गाड़ियां अड़ाकर गेट बंद कर दिया जाता है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है 2 घंटे से, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस की टीम आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचती हुई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब गाड़ियों को शायद साइड में हटवाया जाएगा। इनकी समस्या, इनकी परेशानी क्या है उसको देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। डायल 112 की गाड़ी है वो भी बाहर नहीं निकल पा रही और इस समय पुलिस की टीमें, तमाम टीमें एजेंसी में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के नेशनल हाईवे से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। जो गाड़ी मैंने लगा रखी, मैंने लगाई, ऐसा है जी, मेरी गाड़ी 1.5 महीना पहले एक्सीडेंट हुई थी, 1.5 महीने से यहाँ खड़ी है। क्या काम करते हो? मैं शराब का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ। अच्छा जी, कहाँ देखते हो गाड़ी? गाड़ी ग्रोंडा पुल पार करती, ठीक है, गाड़ी होगी उठा ले आए वहाँ से, हमने फोन कर दिया उठा के ले आए यहाँ, इंश्योरेंस की वजह से उठा के अंदर खड़ी कर दी। 1.5 महीने से हम, मेरे ख्याल तो 50 चक्कर लगा चुके हैं, हो जाएगी रिपेयरिंग, हो जाएगी रिपेयरिंग, हो जाएगी। फिर बाद में क्या लगे, हमारे पास मैसेज आया कि आपकी गाड़ी तो टोटल लॉस, हम पैसे दे रहे हैं। हम बोले हम टोटल लॉस लेना नहीं चाहते, हम तो रिपेयरिंग कराएंगे, हम क्यों लेंगे टोटल लॉस। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है किस तरह से गाड़ियां लगा दी गई थी, अंदर और बाहर दोनों तरफ गाड़ियां लगा दी गई थी। हालांकि पुलिस ने आश्वासन अब दिया है, जिसके बाद आश्वासन के बाद अब शायद गाड़ियों को यहां से हटाया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आश्वासन के बाद यहां से गाड़ियों को हटाया जा रहा है, जिसके बाद जो लोग हैं 2 घंटे बाद एजेंसी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप शिकायत दीजिए और जो शिकायत आपकी है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेटा गाड़ी को इसके सामने लगा दिया गया था, हालांकि फॉर्च्यूनर नहीं लगाई गई थी, फॉर्च्यूनर तो किसी और कस्टमर की थी, वो अंदर आना चाह रहा है, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन क्रेटा गाड़ी को गेट पर ही लगा दिया जाता है, जिसके चलते वो यहां से ना ही कोई जा पा रहा था और ना ही कोई आ पा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कस्टमर जो है, जो 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, वो अब अंदर जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, काफी समय से कस्टमर्स परेशान हो रहे थे, दो दो फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है ये उनकी नहीं थी जिन्होंने जाम लगाया हुआ था, बल्कि ये तो कस्टमर्स की हैं जो अंदर आना चाह रहे थे, अपनी सर्विस कराना चाहते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं आवाजाही शुरू हो चुकी है, तस्वीरें देखी जा सकती है। टोयोटा कंपनी के गेट पर गाड़ियां अड़ाकर गेट बंद कर दिया जाता है, ना किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है 2 घंटे से, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस की टीम आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचती हुई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब गाड़ियों को शायद साइड में हटवाया जाएगा। इनकी समस्या, इनकी परेशानी क्या है उसको देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। डायल 112 की गाड़ी है वो भी बाहर नहीं निकल पा रही और इस समय पुलिस की टीमें, तमाम टीमें एजेंसी में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के नेशनल हाईवे से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से आज उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने गाड़ी के ना टोटल लॉस पे करके जो पैसे हैं वो कंप्लीट देंगे, तो वो उसी चक्कर में उन्होंने मेल भी किया है, तो वो बातचीत ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको रिपेयर करवाएंगे, हमें ठीक है रिपेयर कराएंगे, तो उसके लिए बैठ के जो होगा डिसीजन वो मतलब फाइनल होगा, तो वो उन्होंने मेल भी हुई है यहाँ से, तो भी डिसीजन उनकी तरफ से ये है कि हम इसको टोटल लॉस करेंगे, हम कह रहे हैं इसको रिपेयर करेंगे। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कौन है जो ये कहने वाला? इंश्योरेंस कंपनी। बताओ ना कौन है कहने वाला, बताओ कौन है। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ नहीं है कि मतलब उनको कॉल किया, ये जो दो लगा रहे हैं ना जाम, कौन है इनका हेड? वो बुलाओ मेरे को। ये नहीं, जो गाड़ी मैंने लगा रखी, मैंने लगाई। हाँ बताओ भाई, बताओ। ऐसा है जी, मेरी गाड़ी 1.5 महीना पहले एक्सीडेंट हुई थी, 1.5 महीने से यहाँ खड़ी है। क्या काम करते हो? मैं शराब का काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ। अच्छा जी, कहाँ हुई थी एक्सीडेंट? गाड़ी ग्रोंडा पुल पार करती, ठीक है, गाड़ी होगी ये उठा ले आए वहाँ से, हमने फोन कर दिया उठा के ले आए यहाँ, इंश्योरेंस की वजह से उठा के अंदर खड़ी कर दी। 1.5 महीने से हम, मेरे ख्याल तो 50 चक्कर लगा चुके हैं, हो जाएगी रिपेयरिंग। फिर बाद में क्या लगे, हमारे पास मैसेज आया कि आपकी गाड़ी तो टोटल लॉस, हम पैसे दे रहे हैं। हम बोले हम टोटल लॉस लेना नहीं चाहते, हम तो रिपेयरिंग कराएंगे, हम क्यों लेंगे टोटल लॉस। तो ये कह रहे हैं कंपनी वाले, कह रहे हैं इंश्योरेंस वाले,
हमने इंश्योरेंस कंपनी से कराया टोयोटा से, ना कि हमने कहीं और से। ये मालिक है करने वाले या ब्रोकर हो चुको जो, तो हम कहते हैं हमारी रिपेयरिंग करो। ये कहते हैं जी 75% के बाद कंपनी वाले पैसे नहीं देते। 75% तुम दे दो, बाकी हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपने कोई कंप्लेंट दी थी सर? हाँ, सबको दे दिया, मेल भी कर ली, इनके पास आ लिया हम। इनके पास नहीं, जैसे अब पुलिस को देना होता था। अच्छा, इसके बारे पुलिस को कंप्लेंट की आपने? पुलिस को नहीं कंप्लेंट नहीं थी सर। स्टोरी आज ही बनी सर, उससे पहले ही आपने जाम लगा दिया सर। वो जाम क्यों लगा है? इनका हमारे पास फोन आता है, अगर आपकी गाड़ी हमने बेच दी साइन कर दो। चलो कंप्लेंट दो आप जो भी लिखना, लेकिन जाम ऐसे नहीं, आप कंप्लेंट दो, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी आपकी, आप कंप्लेंट दो, जो भी तो कार्रवाई बनेगी आपके, जो भी को आप कंप्लेंट दो। जो जिस मेरी गाड़ी किस लिए बेची पहले ये तो पूछो ना। आपका जो भी ऑफेंस करके लिख के दे दो, जिस हिसाब से जुर्म बनेगा हम उसकी कार्रवाई करेंगे। आप कंप्लेंट दो लिख के, ठीक है, जो भी कंप्लेंट बनती है आप अपने लिख के दे दो, आपके साथ हुआ वही बात लिख के दे दो। आपकी गाड़ी बेची है, आपने जो भी कुछ किया, आपका इंश्योरेंस नहीं देता, अपना पूरी कंप्लेंट रिपोर्ट लिख के हमारे को दो। ठीक है, इससे बड़ी बात क्या है जी? आप अपनी कंप्लेंट दीजिए ताकि जो भी आपकी है कार्रवाई होगी अपने आप। जो भी कंप्लेंट दे, पुलिस प्रशासन बैठा है या सारा शासन बैठा है, ये इसी के लिए तो बैठा है, हम पब्लिक की सुविधा के लिए तो है। हाँ। किसी को कोई दुख दर्द है, मान लो समान जाएगा पुलिस पे जाएगा, डीसी पे जाएगा, उस समस्या इसीलिए तो सुनेगा आपकी, हम आपके लिए तो हैं। आप हमारे कोई भी कंप्लेंट दोगे जब भी तो हम सुनेंगे। आप लिखित रूप में अपनी रिपोर्ट दो, जो भी कानूनी साहब हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वो कार्रवाई कितने दिन में हो जाएगी जी? पुलिस प्रशासन इसलिए नहीं बनाया, पुलिस प्रशासन ही तो कार्रवाई के लिए बनाया है। आप कंप्लेंट अपने पुलिस को दी कंप्लेंट कोई नहीं दी, मैं मना कर रहा हूँ, मैंने कंप्लेंट नहीं दी ना। जब भी तो कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई करने की तो केवल पुलिस को अधिकार है, और किसी को और नहीं। पुलिस का कानून की, अब कानून की कार्रवाई के लिए तो करवा रहे हो, जो भी कानून की कार्रवाई कराओगे तो पुलिस ही करेगी। ठीक है जी, क्यों समझेंगे बात? फिर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो, कंप्लेंट दो, कंप्लेंट देगा अपने जो भी कानूनी बढ़ती है दो कंप्लेंट। आज कंप्लेंट दे दी तो इसकी कार्रवाई हमने, रिजल्ट कब तक मिल जाएगा यार? आप पहले ही अपडेट मांगने लग रहे हो, उसका भी हम कब नहीं, आप भी एस्टीमेट दे दो, 10-15 दिन एस्टीमेट दे दो। अपडेट मांगने का भी इच्छुक हमारा सरपंच, ये तो मजबूर। अब ये सुनो, सारे कंज्यूमर है, सारे कस्टमर है सर, ये सारे कस्टमर है सर, मैं नहीं हूँ भाईचारे में। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं होता। दबाव भी 3 घंटे हो गए इनके इंश्योरेंस वाले, तो चलो फिर यार, तो 3 घंटे विचार करता हम आगे, पुलिस प्रशासन है कोई, मैंने कंप्लेंट दी। उसने बोला लो जिन 100 गाड़ी बेचे था वो था वो तो उन्होंने बोला। चलो उसका भी आपके पास ही एप्लीकेशन देंगे हम, आप भी बुलाओगे, एक एप्लीकेशन आपको दे देते हैं। वो तो कोई बात नहीं, आप अपनी केस लिख के दो, जो भी कार्रवाई बनते हम चलते हैं, लेकिन ये तो वो खोल लो ना, ऐसा तो ठीक नहीं। तो मेन कुछ तो देंगे सर, हमारे को लिखे ये भी तो देंगे कुछ लिखे, ये तो कुछ लिखे, हम अपनी कंप्लेंट दिखा, हम वहीं बुलाएंगे थाने में, वहां बुलाएंगे ना दोनों पार्टियों को, ले भाई तुम भी दो, आप कंप्लेंट दो, हम बुलाएंगे इनको, या हम जाएंगे SHO साहब, DSP साहब, जो भी कुछ, इसलिए तो बैठे हैं। आप कंप्लेंट दो लिखकर। चलो ठीक है जी, कंप्लेंट दो, कंप्लेंट लिख के दो। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, कंप्लेंट अब दी जा रही है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, गेट बंद कर रखा है और लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर निकलना है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि किस तरह से एक कस्टमर द्वारा अपनी 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी गेट के बाहर ही लगा दी जाती है, गेट के बाहर लगा दी जाती है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मर्जी तो साइन करने के लिए आ गया, हम क्यों आए आपके पास जाए सर इन सब। अब एक मिनट, अब तो कोई ऐसी बात नहीं, आप कंप्लेंट दो, जो भी कानूनी कार्रवाई कर देंगे बस। ठीक है सर, आप पुलिस की टीम सर, मेन पता क्या, देखो जी आपने अपनी बात रख दी, मीडिया में भी रखी, आपकी बात ऊपर तक जाएगी, पुलिस आपकी आ गई है, ठीक है जी, आप शिकायत तो अपने हिसाब से कार्रवाई होगी, ठीक है जी, नहीं होगा तो आप दोबारा हमें भी कॉल कर सकते हो, आप इनको भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि ना देखो 2-2.5 घंटे हो गए, हर एक आदमी फंसा हुआ है, आपकी 2 गाड़ियां लगी हुई है, जिस कारण अगर जो ऐसा ना करते तो ये अभी तक सुनते ही नहीं ना, अभी इस दिन में भी जब आप ये कार्रवाई की बात, ठीक है आपकी बात ठीक है, चलो पुलिस में आप कंप्लेंट दें और प्लीज गाड़ी अगर आप हटवा देंगे तो लोग साहब को हम नहीं फोन किया है, भाई हमारे साथ नजायज हो रही है। मेडिसिन ले सकता हूँ, SHO साहब ने टीम भेज दी आपके पास, SHO साहब ये चलो उसने काम इधर तो कभी उसको जाना पड़ता, कभी मेरे को जाना पड़ता, ठीक है सर, उसमें क्या बात है। हाँ, नहीं हम आगे आगे चलो कोई बात, आपकी समस्या सुनने के लिए आप अपने कंप्लेंट दे, जो भी कार्रवाई बंद कर दें। ठीक है सर, अब आप देख सकते हैं अब गाड़ियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे से
एजेंसी के गेट पर ही गाड़ियां लगा दी गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जब तक गाड़ी नहीं हटाएंगे जब तक इनको आश्वासन नहीं मिलेगा, जिसके चलते बहुत से लोग ऐसे थे जो निकल नहीं पा रहे थे एजेंसी से। आप देख सकते हैं एक मर्सिडीज गाड़ी भी यहां पर 2 घंटे से खड़ी है क्योंकि उसको भी यहां से निकलना है, लेकिन वो भी नहीं निकल पा रही। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं इन गाड़ियों को यहां से हटाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं, क्योंकि वाकई कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर था वो परेशान जरूर था, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो जाती है फॉर्च्यूनर गाड़ी पुरानी और एजेंसी कहती है जो इंश्योरेंस है वो 15 से 16 लाख रुपए ही जो है पे कर पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा आएगा तो वे उसको टोटल लॉस में डाल रहे थे। लेकिन जो मालिक है वो कह रहा है कि चाहे ऊपर से पैसा लगे, हम ऊपर से पैसा भी देने को तैयार हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस तरफ कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और अब आप देख सकते हैं 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। भैया कितनी देर से गेट बंद है, आप सिक्योरिटी इंचार्ज है? सर काफी देर होगी। क्यों बंद है गेट? पता नहीं कोई गाड़ी गुड़ी का मैटर था तो वो सर और बात कर रहे हैं, उनसे मालिक भी आए हुए हैं तो गेट पे ही लगा दिया गाड़ियाँ। गेट पे ही लगा दिया, हमने भी बड़ी रिक्वेस्ट करी सर, मैं कहा जो आने जाने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत आएगी तो सर प्लीज गाड़ी आप इधर लगा लो, जो भी कोई मैटर है आपका आपको बैठ के सोल्व कीजिए उसको, सर के साथ में बैठिए। तो वो माने नहीं, वो लगा करके वो चले गए सर। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है किस तरह से गाड़ियां लगा दी गई थी, अंदर और बाहर दोनों तरफ गाड़ियां लगा दी गई थी। हालांकि पुलिस ने आश्वासन अब दिया है, जिसके बाद आश्वासन के बाद अब शायद गाड़ियों को यहां से हटाया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आश्वासन के बाद यहां से गाड़ियों को हटाया जा रहा है, जिसके बाद ही जो लोग हैं 2 घंटे बाद एजेंसी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप शिकायत दीजिए और जो शिकायत आपकी है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेटा गाड़ी को इसके सामने लगा दिया गया था, हालांकि फॉर्च्यूनर नहीं लगाई गई थी, फॉर्च्यूनर तो किसी और कस्टमर की थी, वो अंदर आना चाह रहा है, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन क्रेटा गाड़ी को गेट पर ही लगा दिया जाता है, जिसके चलते वो यहां से ना ही कोई जा पा रहा था और ना ही कोई आ पा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कस्टमर जो है जो 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे वो अब अंदर जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, काफी समय से कस्टमर्स परेशान हो रहे थे, दो दो फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है ये उनकी नहीं थी जिन्होंने जाम लगाया हुआ था, बल्कि ये तो कस्टमर्स की हैं जो अंदर आना चाह रहे थे, अपनी सर्विस कराना चाहते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं आवाजाही शुरू हो चुकी है। 2 घंटे से जो हंगामा यहां पर चल रहा था वो शांत हो चुका है और गाड़ियां यहां से रवाना होती हुई निकलती हुई आती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। इसलिए हमने गाड़ी हटवा दिया। आप कंप्लेंट दो, जो भी आप लिखित में दोगे हम उसके हिसाब से पूछेंगे। क्या बात है, लिख के दो सर। क्या कुछ जानकारी मिली थी यहाँ पहुंचे थे आप? भाई इन्होंने कहा था भाई गाड़ी हमारी इंश्योरेंस का हमारा नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं अभी हम। मैं आप अपनी कंप्लेंट दो, जो भी कंप्लेंट भी जरूर होगा उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। अब कंप्लेंट तो लिख के देंगे, जब भी तो कार्रवाई बनेगी। तो गाड़ी हटा दी गई है जो 2 घंटे से लगाई हुई थी? हाँ लगाने लगे, हटाने लग रहे हैं जी। तो गाड़ी हटाने ये लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको आश्वासन मिल गया है, गाड़ियां आपने हटा दी है क्योंकि जाम जो लगाया था खोल दिया आपने? हाँ खोल दिया जी, गाड़ी हटा दिया मैंने। अब ऐसा तो साहब कह रहे हैं अभी एप्लीकेशन दो, एक एप्लीकेशन दे के आ जाते हैं अभी, और उसके बाद जो कार्रवाई होती है। फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं होती कुछ, तो दोबारा फिर हमें कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर आश्वासन नहीं मिला तो कह रहे हैं कि दोबारा गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, तो दोबारा भी गाड़ी खड़ी करेंगे। भाई आश्वासन मिल गया अब तो? हेलो, आश्वासन मिल गया? मिल गया जी, कार्रवाई होने के बाद ही होगा आश्वासन तो सही। अभी कहाँ आश्वासन, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। गाड़ी हटा दी है फिलहाल? क्योंकि 1.5 महीना तो मैंने हाँ गाड़ी हटा दी, सिर्फ ही नहीं पे विश्वास करके, जब विश्वास पूरा होगा तभी मानेंगे। तो बिल्कुल आश्वासन दे दिया, जिसके बाद जो गाड़ियां लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और अब आप देख सकते हैं लोग यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं जो 2 घंटे से परेशान हो रहे थे, 2 घंटे से परेशान हो रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नेशनल हाईवे करनाल पर टोयोटा एजेंसी का शोरूम है। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीना पहले पानीपत के एक शराब कारोबारी की जो गाड़ी है वो एक्सीडेंट घरोंडा हो जाती है, गाड़ी को यहां पर लाया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा उसका क्लेम नहीं दे रही थी। इंश्योरेंस कंपनी जो है कहती है कि इसका पूरा क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सीडेंटल ज्यादा हो चुका है, टोटल लॉस हो चुका है। लेकिन जो मालिक थे वो ये चाह रहे थे कि चाहे हमें ऊपर से पैसा देना पड़े लेकिन हम इसको ठीक कराना चाहते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं फॉर्च्यूनर की जो कीमत है अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर वो पुरानी
फॉर्चूनर गाड़ी थी उसका बीमा कम का था, तभी कंपनी कह रही है कि हम 15 से 17 लाख टोटल लॉस में आपको दे देंगे, लेकिन उस पर अगर पैसा लगाना पड़ा तो शायद पैसा ज्यादा लग रहा था, जिसके चलते चाहे कंपनी हो चाहे एजेंसी हो वो पैसा नहीं लगा रही थी, जिसके चलते कस्टमर को साफ तौर पर मना कर दिया गया था, लेकिन कस्टमर अनसेटिस्फाई था, जिसके चलते उसने अपनी इसी मेन गेट पर अपनी गाड़ियां यहां पर लगा दी थी। 2 से 2.5 घंटे से जाम लगा हुआ था, हर एक व्यक्ति काफी परेशान था, फॉर्चूनर गाड़ियां लेकर आए लोग वो भी बाहर दुखी थे क्योंकि उन्होंने अंदर आना था, सर्विस करानी थी, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर पहुंच जाती है। बाद में मधुबन थाना पुलिस के आश्वासन के बाद जाकर ये गाड़ियां यहां से हटाई गई हैं और जो जाम लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब खुल पाया है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा।